जी तो हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सखर से घूम फिर के जुम्मे को वापस आ गए थे। ठीक है, जुम्मे को व्लॉग बनाया है, हफ्ते को एडिट किया है और आज संडे, तो आज इंशाल्लाह व्लॉग को जो है अपलोड किया जाएगा। मैं अभी यहाँ पे बाहर आया हुआ था, हमारे गांव में ही जो है रिश्तेदार क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो मैंने बोला व्लॉग का एंड किया जाए और जल्द से जल्द अपलोड किया जाए ताकि आप लोग देखें। अभी थोड़ी देर यहाँ पे मैच वगैरह देखूँगा और उसके बाद घर चला जाऊंगा। तो पहले आप लोग व्लॉग देखें और व्लॉग जो है पूरा देखना है आप लोगों ने। ये जो है आप लोग मेरे पे मेहरबानी करेंगे अगर पूरा व्लॉग देखें तो, क्योंकि व्लॉग पे मेहनत हुई हुई है। ठीक है, आप लोग देखें, तब तक मैं मैच देखता हूँ और आप लोग व्लॉग ख़त्म करें, मैं मैच देख के आप लोगों से मिलता हूँ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज अभी जो है मैं सखर जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है। तो कल मुझे एक दोस्त मिले थे तो मैंने उनसे पूछा कि आपने चलना है सखर, तो उन्होंने कहा था कि जी मैं चलूँगा। और बस अभी देर हो गई हुई, हमने निकलना था 8:30 बजे, अभी 9:30 बज रहे हैं, देर हो गई हुई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ से दोस्त को उठाऊँगा शहर से और उसके बाद निकलेंगे सखर के लिए। और इंशाल्लाह मैं रास्ते में या फिर दोस्त से मिल के जो है या फिर कहीं हम बैठेंगे, काम हो जाएगा उसके बाद बैठेंगे, तो मैं दोस्त का तारुफ भी करवाऊँगा। तो अभी चलें, पहले ही काफ़ी लेट हो गए हैं, 8:30 बजे निकलना था, 9:30 बज रहे हैं। तो अभी बस निकलते हैं, दोस्त के पास पहुँचते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो जो होगा वो आप लोगों को दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अब्दुर्रहमान भाई? खैर अलहमदुल्ला, तबीयत सेट है माशाल्लाह। लेट तो नहीं हो गए? 8:30 का कहा था, 10 बज रहे। नहीं नहीं, चले अब्दुर्रहमान भाई को जो अभी पिक कर लिया यहाँ से, तो अभी निकलते हैं सखर के लिए। चले अब्दुर्रहमान भाई, गाड़ी चलाओगे? नहीं आप चलाएंगे? ना यार। लगी तो देखते हैं इंशाल्लाह, पहले जो है जोंग ऑफिस से काम कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस बंद ना हो जाए, आज जुम्मे का दिन है। तो अभी बस जूस पी के जो जाएंगे जोंग के ऑफिस और इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम हो जाएगा हमारा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जोंग का ऑफिस जो है हमें मिल गया हुआ है और जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो अभी यहाँ पर जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जाएँगे जोंग के ऑफिस और जो काम हमें हमारे बाकी हैं ऑफिस में वो करेंगे। अभी हमने उनसे पूछा तो कह रहे हैं नमाज के बाद इंशाल्लाह वो आएंगे, नमाज पढ़ के आए फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। नमाज पढ़े अब्दुर्रहमान भाई? इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी जो है नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के उसके बाद मिलते हैं। अभी हम मस्जिद आए हूँ यहाँ पे, ये बिल्कुल जोंग ऑफिस के सामने जो है माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है, तो यहाँ पे अभी जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद मिलते हैं। जी तो नमाज पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह और करम फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है टाइम 2 बज रहे हैं और जोंग का ऑफिस जो है वो 3 बजे खुलना है, तो
तो अभी हम कह रहे हैं कि भूख लगी है तो कुछ पहले जाके खा भी लेते हैं, तब तक जो है इंशाल्लाह तब तक जो है जोम का ऑफिस भी खुल जाएगा। और ये अब्दुलरहमान भाई हैं, तब मैं बहुत जल्दी में था, आज मैंने अब्दुलरहमान भाई को बहुत लेट करवा दिया। हमारा निकलने का जो टाइम था वो 8:30 था, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, निकलते निकलते मुझे 10 बज गए, अब्दुलरहमान भाई को बहुत वेट कराया, सॉरी यार। और आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी जल्दी व्लॉग बना रहे थे, इसकी वजह से जल्दी जल्दी कर रहे थे कि यहाँ पे आएँ और जुम्मे से पहले पहुँच सके यहाँ पे जोंग की ऑफिस में और हमारा काम हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा है कि 3 के बाद जो है जोंग का ऑफिस खुलेगा, हमने तसल्ली मिल गई है अभी। तो अभी जाके कहीं बैठते हैं, खाना खाना खाते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। ये अब्दुलरहमान भाई हैं और इनकी पैदाइश माशाल्लाह सऊदीया की है। आपको कितने साल हुए पाकिस्तान में आए हुए? तकरीबन 2017 को आया था मैं। 2017 यानी कि 3-4 साल अब्दुलरहमान भाई को हुए यहाँ पे पाकिस्तान आए हुए। इंशाल्लाह अभी चलते हैं, कुछ खाते भी थे, फिर अब्दुलरहमान भाई से गपशप भी लगाते हैं, क्योंकि अब्दुलरहमान भाई की पैदाइश जो है माशाल्लाह सऊदीया की, ऐसे समझ लें छोटे से लेके बड़े तक पले बड़े वहीं पर। अब्दुलरहमान भाई से पूछेंगे अब्दुलरहमान भाई पाकिस्तान अच्छा है कि सऊदीया अच्छा है। चलें अब्दुलरहमान भाई, बाइक अभी आप चलें, ये लें चलते हैं होटल पे कहीं बैठ के खाना वगैरह खाते हैं और अब्दुलरहमान भाई से पूछते हैं पाकिस्तान में मज़ा है कि सऊदीया में मज़ा है। 18 साल को मैं भी सऊदीया में रह के आया हूँ, तो अभी देखते हैं अब्दुलरहमान भाई। अच्छा एक और बात, आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए हुए हो ये? जी हाँ, 2017 में, यानी कि अब्दुलरहमान भाई जो है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए हैं 2017 में। मैं 2008 में भी आ चुका हूँ और 2014 में भी आ चुका हूँ और 2018 में मैं आके यहीं पर रह गया, उसके बाद मैं वापस नहीं गया। तो अभी चलते हैं होटल पे, खाना वगैरह खाते हैं और अब्दुलरहमान भाई से गपशप लगाते हैं, अब्दुलरहमान भाई से पूछते हैं कि पाकिस्तान में मज़ा आ रहा है या नहीं। अभी हम जहरा फूड पे आए हुए हैं और यहाँ पे चिकन बिरयानी अभी मंगवा दे, भाई को बोलते हैं कि हमारे लिए चिकन बिरयानी ले गया, ऐसी में अभी मज़ा आ गया है। शदाद गौर से लेके यहाँ तक जो है गर्मी में खजल खुआर होते होते अभी जैसे ही इधर आए माशाल्लाह तो सुकून एकदम जो है ना ठंडक पड़ गई कलेजे में। तो अभी चिकन बिरयानी मंगवाते हैं और साथ में आप लोगों को भी दिखाते हैं। जी तो बिरयानी आ गई है, अभी शुरू करें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह बिरयानी बड़ी टेस्टी लग रही है, खा के देखते हैं कि कैसी है। बेहतरीन माशाल्लाह, अच्छी है अब्दुलरहमान, माशाल्लाह अब्दुलरहमान मज़ा आ गया, जैसे ठंडक आ गई वैसे खाने पे ही मज़ा आया है। अब्दुलरहमान भाई कह रहे जैसे ठंडक में मज़ा आ गया वैसे ही खाने में मज़ा आ गया, तो अभी बिस्मिल्लाह करके मैं भी खाता हूँ, देखते हैं कि कैसी है। अब्दुलरहमान भाई कह रहे हैं अच्छी है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी बिल्कुल अब्दुलरहमान भाई की बात बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह बिरयानी मज़े की। तो अभी बिरयानी खाते हैं, तब तक जोंग का ऑफिस भी खुल जाएगा और फिर जोंग के ऑफिस जो काम है वो करवाने। जी तो बिरयानी वगैरह खा ली अल्हम्दुलिल्लाह और अभी थोड़ा टाइम रहता है ऑफिस खुलने में, तो हमने बोला थोड़े चक्कर लगाते हैं, चक्कर घूमते हैं थोड़ा बहुत। और अब्दुलरहमान भाई को जो है टोपी चाहिए थी, तो अभी अब्दुलरहमान भाई यहाँ से टोपी अपने लिए पसंद करेंगे, देखते हैं ख़रीदते हैं कि नहीं खरीदते। और ये जो है हम बिल्कुल चक्कर घंटा घर के पास ही खड़े हुए हैं, जो टोपियाँ लगी हुई हैं ये चक्कर घंटा घर के नीचे ही लगी हुई हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जोंग के जो ऑफिस में काम था वो हो गया हुआ है और अभी जो है पानी वगैरह पियेंगे और उसके बाद हम जाएंगे लेस डाउन ब्रिज जाएंगे हम, जो सिंध की मशहूर ब्रिज है, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान की मशहूर ब्रिज है। तो अभी यहाँ से पानी वगैरह पियेंगे और उसके बाद जाएंगे लेस डाउन ब्रिज। चलें अब्दुलरहमान भाई, इंशाल्लाह लेट्स गो। और अभी रास्ते से जा रहे थे तो ये कुछ छोटे बच्चों के लिए जो है स्विमिंग पूल के बने हुए हैं, तो मुझे जो है अपने बेटे सामिर के लिए बहुत अच्छे लगे। और यहाँ से जो अभी मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, जो पसंद किया है वो यहाँ से सामिर बेटे के लिए लेंगे और इंशाल्लाह घर जाकर सामिर बेटे को गिफ्ट करेंगे। तो जा रहा था, मैंने बोला बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है, तो मैंने बोला नज़र आ गई है तो सामिर बेटे के लिए ले लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सामिर बेटे के लिए कौन सा स्विमिंग पूल का ये।
जी तो ये जो है सामिर बेटे के लिए लिया है स्विमिंग पूल के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मियां आ गई हैं, जैसे बड़ा होगा तो ये फिर भी इस्तेमाल हो सकता है। ये बिल्कुल छोटा है तो ये मैंने नहीं लिया और वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और माशाल्लाह बड़ा भी है। और ये देखें, अगर आपने अपने लिए बड़ों के लिए ख़रीदना है तो ये भी पड़ा हुआ है टब स्विमिंग पूल का, इसमें आप भी नहा सकते हैं और ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। ये जो ना ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बड़ा है, देख रहे हैं आप, बहुत ही बड़ा है ये वाला, बाकी जो है सारे छोटे हैं। तो अभी चलते हैं अब्दुर्रहमान भाई से बात कर रहे हैं, चलें अब्दुर्रहमान भाई चलें। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये जी कैंची सर, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्दुर्रहमान भाई आप कितनी दफा आए हो सक्कर? हाँ तकरीबन ये चौथी बार है। माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह जी माशाल्लाह तबारकल्लाह। लेस डाउन ब्रिज और साथ में ये इसको अयूब ब्रिज भी कहते हैं, और अभी काफ़ी लोगों ने यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि इसको कैंची ब्रिज भी कहते हैं। कैंची ब्रिज है, पकड़ जाए अब्दुर्रहमान भाई, ये जो है ये कैंची ब्रिज, और साथ में ये वाली जो है ये कह रहे हैं कि ये लेस डाउन, हाँ रोड़ी, और ये लेस डाउन ब्रिज है। ये ब्रिज जो है सखर और रोड़ी को जो है आपस में मिलाती है। पहले वाली ये थी मेरे ख्याल से लेस डाउन ब्रिज, और उसके बाद ये वाली ब्रिज बनाई थी अयूब साहब ने मेरे ख्याल से, और अब इसको कहते हैं कैंची ब्रिज। ये देखें, और ये साथ में, और माशाल्लाह ये नीचे नज़ारा देखें, ये जो है जी सिंधु दरिया। मैं जो यहाँ पे सखर में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, और ये जो लेस डाउन ब्रिज और कैंची ब्रिज मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूँ। वैसे तो तस्वीरों में वीडियोस वगैरह में देखते रहते थे, लेकिन आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार देख रहा हूँ। माशाल्लाह जी मज़ा आ गया अब्दुर्रहमान भाई, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अपना शहर है, जब दिल चाहे चले आए। क्या बात है, अब्दुर्रहमान भाई कह रहे हैं अपना शहर है जब दिल करे, परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जब दिल करे जब चाहे गाड़ी भी तेल भर के निकल आओ घूमने फिरने के लिए। माशाल्लाह जी लेस डाउन ब्रिज और साथ में कैंची ब्रिज, और ये साथ में जो है ये कैंची ब्रिज जो है, ये कैंची ब्रिज अयूब ब्रिज जो है ये इस पर ट्रेन आती जाती है। अब मेरे ख्याल से शायद बंद हो गई हुई, कह रहे हैं कि ये ब्रिज जो है कमज़ोर हो गई हुई है, तो उसकी वजह से ट्रेन शायद बंद हो गई होंगी। तो अभी देखते हैं नीचे जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर अभी 4 बज रहे हैं, हमने वापस घर भी जाना है, तो चलें देखते हैं क्या होता है। दुआ चाहिए, हाँ आप भाइयों की दुआ चाहिए बिल्कुल, इंशाल्लाह मजीद वीडियो आपके लिए बना के इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब्दुर्रहमान भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप भाई लोगों की जो है दुआ चाहिए,
इंशाल्लाह हम जो है अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह हम भी अच्छी वीडियो बनाएंगे, आप भी देखते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप भी विजिट करें जब भी आए, आपका मन करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आपका मन करे आप चले आए, घूमें फिरें एंजॉय करें, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर आप बोलेंगे हम आपके साथ दोबारा आ जाएंगे इंशाल्लाह। अपना शहर है सर, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, अपना शहर है, घूमो फिरो एंजॉय करो। तो अभी देखते हैं, क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो, अभी देखते हैं। नीचे जाना हुआ तो वहाँ से भी आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं जाना हुआ तो फिर वापस सिद्धार्थकोट की तरफ निकलेंगे। अभी टाइम 4 बज रहे और हमने खैर से इंशाल्लाह यानी कि सूरज ढलने से पहले सिद्धार्थकोट खैर से इंशाल्लाह इंशाल्लाह वापसी पहुँचना है। तो अभी चलें देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। इस ब्रिज का काम जो है शुरू हुआ था 1887 में और कंप्लीट हुआ था 1879 में। जुमे के दिन जो है मैं इसकी वजह से सखर आया था क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा है, तो उसकी वजह से बाकी दिनों में मैं नहीं आ सकता था। और जब हम यहाँ पे आए सखर में तो हमें पता चला है कि सारी मार्केटें जो है जुमे को बंद होती हैं। तो मुझे क्या हुआ, तो मुझे अब्दुलरहमान भाई ने भी कहा था कि मार्केटें वगैरह जो है सखर में बंद होती हैं, लेकिन मैंने फिर भी अब्दुलरहमान भाई को कहा था जो हमारा काम है वो हो जाए, बाकी सखर वैसे ही घूम लेते हैं, मार्केट तो सखर की नहीं घूम सके। क्यों अब्दुलरहमान भाई, और अब्दुलरहमान भाई के साथ ये हुआ है कि चौथी दफ़ा सखर आ रहे हैं और चौथी माशाल्लाह चौथी दफ़ा जुम्मे पे ही सखर आ रहे हैं, ऐसे ही इत्तेफाकन चौथी दफ़ा सखर आए और चौथी दफ़ा जुम्मा ही आया है। जब अब्दुलरहमान भाई सखर घूमने के लिए आया किसी भी काम से आए तो अब्दुलरहमान भाई को सखर बंद मिला है। कभी कभार पता भी नहीं चलता कि जुम्मा का दिन, हाँ कभी कभार पता नहीं चलता, पूछते हैं लोग कहते हैं कि यार आज तो जुम्मा है छुट्टी आए। आप किधर जा रहे हो सखर, जुम्मे के दिन सखर बंद, अब्दुलरहमान भाई चौथी दफा आ रहे, मैं फर्स्ट टाइम आया। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर, थैंक यू ताकि हम इंशाल्लाह और वीडियो बना सके आप इंशाल्लाह। और अब्दुलरहमान भाई को मैं फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो अरबी भूल गया हूँ, अब्दुलरहमान भाई को अरबी आती है। अभी हम खैर से सिद्धार्थकोट जाके बैठेंगे, वहाँ पे अच्छी गपशप लगाएंगे क्योंकि अभी देर हो रही है और हम रास्ते में जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब्दुलरहमान भाई से मैं कोशिश करूँगा अरबी में बात करने की, और अब्दुलरहमान भाई को मैं कह रहा हूँ कि अब्दुलरहमान भाई आपने जो है ना अरबिक में ब्लॉगिंग शुरू कर दी, अरबिक में ब्लॉगिंग शुरू कर इंशाल्लाह। हो सका तो क्या पता कि अब्दुलरहमान भाई जो है अरबी में ब्लॉग बनाए और मैं उर्दू में बनाऊँ इंशाल्लाह, ताकि आप अगर आप में से जो भी उर्दू सके तो उर्दू में भाई को देख दे, अगर अरबी है तो इंशाल्लाह भाई को अगर अरबी समझ ले समझ में आती आपको तो अब्दुलरहमान भाई के ब्लॉग में कोई मसला नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है ना एक अपने इसी चैनल पर अब्दुलरहमान भाई के साथ ब्लॉग बनाऊँ कि आप लोग भी ताकि आप लोगों को भी अरबी सुनने में आए, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ब्लॉग ऐसे कुछ बनाया जाए कि मैं उर्दू में बात करूँ ठीक है, और उसका तर्जमा अब्दुलरहमान भाई अरबिक में करें इंशाल्लाह। जैसे कि हम अभी जा रहे हैं लाड़काना, तो ये चीज़ भी अब्दुलरहमान भाई अरबी में बोलेंगे, कैसे बोलोगे अब्दुलरहमान भाई, राहिल लाड़काना इंशाल्लाह इंशाल्लाह, राहिल लाड़काना यानी कि हम लाड़काना जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे मजे वाले भी लोग आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुश रहें सदा सदा आप खुश रहें इंशाल्लाह, कहीं नहीं भी जाना तो इंशाल्लाह अब्दुलरहमान भाई के साथ सिद्धार्थकोट में ब्लॉग बनाएंगे अरबिक में इंशाल्लाह, आप तो सिद्धार्थकोट भी दिखाएंगे ताकि आप इंजॉय करें इंशाल्लाह हमारे साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले अब इसी मोमेंट में रखता हूँ और सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम वापसी सिद्धार्थकोट के लिए निकल रहे हैं। अभी तो फिलहाल सखर में आधा घंटा लग जाएगा निकलते निकलते, देखते हैं कब तक निकलते हैं। माशाल्लाह सखर बहुत बड़ा है यार, बहुत गर्मी है माशाल्लाह, गर्मी बहुत गर्मी बहुत, हमें पता था गर्मी, लेकिन हमने कहा कि अब्दुलरहमान भाई जी मैंने पूछा चलोगे, अब्दुलरहमान भाई ने बोला चलो चलते हैं एंजॉय भी हो जाएगा, गर्मी बहुत। चले जय
जी तो हम जो है वापस घर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए और अभी 7:30 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रोशनी चली गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी ऐसे ही आपके साथ बनाएंगे इंशाल्लाह, और आपसे जो है अरबिक में व्लॉग बनवाने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है अब्दुर्रहमान भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी तो मैंने जो है मैच देख लिया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी व्लॉग पूरा देखा होगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर 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 पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें, सलामत रखें, दुआ में याद। फ़े अमान अल्लाह हाफिज़।